तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नए नए प्रोग्राम्स के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं और जो भी एनजीओ से संबंधित जानकारी होती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपका लीगल कंसल्टेंट प्रखर शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस की जो सेमिनार और वर्कशॉप की स्कीम आती है एनजीओस के लिए, उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी RFPs आते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको बेसिकली सेमिनार्स कंडक्ट कराने के लिए ग्रांट मिलती है। जो ग्रांट है वो 4.5 लाख रुपए तक की मिलती है उन संस्थाओं को जो उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहती हैं या उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड कल्चर, लिंग्विस्टिक लिटरेचर या उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करना चाहती हैं। अब बेसिकली जो लेवल ऑफ ग्रांट है वो 4 लेवल्स पे डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें 37,500 यानी कि 37,500 रुपीज़ का ग्रांट है। जो स्टेट लेवल है उसमें 75,000 रुपीज़ का ग्रांट है। जो नेशनल लेवल का सेमिनार है उसमें 1.5 लाख रुपीज़ यानी कि 1.5 लाख रुपए का ग्रांट है और जो इंटरनेशनल सेमिनार है उसमें 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख रुपीज़ तक का ग्रांट है। तो दोस्तों, अगर आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है और लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं तो आप 30 मई यानी कि 30 मई 2023 तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है कि आपको सेमिनार या वर्कशॉप्स कंडक्ट कराने हैं, सिंगल वन डे के सेमिनार आप कह सकते हैं वो कंडक्ट कराने हैं और उसके लिए आपको जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट है, NCPUL जो विभाग है, वो आपको ग्रांट देगा। अब ये जो ग्रांट है वो 50-50 यानी कि 50% एडवांस, 50% काम होने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी सर्विसेज को अवेल करवा सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी संस्था नीति आयोग में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट आपके पास हो और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी डिपार्टमेंट से ब्लैक लिस्टेड ना की गई हो, ठीक है, तब आप इस योजना में अप्लाई कर पाएंगे। और जो डिपार्टमेंट है वो 2 से 3 महीने में आपके प्रपोजल को एवेलुएट करके आपका जो ग्रांट है वो सैंक्शन कर देता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एनजीओ यानी कि सोसाइटी, ट्रस्ट, फाउंडेशन, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ है वो अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बाधा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस वाली ही संस्थाएँ अप्लाई कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी संस्थाएँ अप्लाई कर पाएंगी। और जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दिया कि 30 तारीख है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट आप इस योजना में अप्लाई कर दीजिए। जो मोड ऑफ सबमिशन है वो ऑफलाइन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है आपका बाई पोस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो अपने मन पसंदीदा टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।